Hey guys, तो ये टॉपिक मैंने सोचा तो नहीं था कि ऐसा कोई सीन होगा, बट अब हो गया है तो इस पे वीडियो बन जा रहा है, जो कि है कि जॉन वॉकर यानी कि अपना कैप्टन फाल्तू ने जो किया वो सही था या गलत। YouTube कमेंट सेक्शन से लेकर मेरे Instagram मैसेजेस तक ये बात उठ चुकी है कि तुम्हारे टीममेट को कोई मार देगा तो तू छोड़ देगा क्या, उसकी भी तो भावनाओं को समझो। जिसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हमारे डिस्कशन के दायरा को बढ़ाया जाए और इस पर एक वीडियो बनाया जाए। एंड वार्निंग, इस वीडियो में बताई गई बातें कुछ को चुप सकती है क्योंकि मुद्दा सीरियस है तो बातें भी सीरियस ही होगी। तो बिना किसी स्पॉन्सर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लस कई लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जॉन वॉकर इज नॉट अ गुड मैन बट अ परफेक्ट सोल्जर, जो कि मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, वो एक अव्वल नंबर का लेसन है। एंड क्यों है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अरे अरे नहीं बिट्टू भैया, आप बात तो सुनिए, आप ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना लसन, इस पे मोहित भैया का प्रतिलिपि हक है। प्रतिलिपि हक नहीं समझते क्या? कॉपीराइट। और हम आपको एक बात बताएं, ये जितने भी फल सब्जी सब्जी मंडी से जुड़े हुए शब्द हैं, इनका प्रयोग उन्हीं को करने दीजिए, उन्हीं पे शोभा देता है। आप पे कप्तान फालतू एकदम बढ़िया लगेगा। आप ऐसा करिए कि कप्तान फालतू से ही काम चलाइए, हमें तो वही अत्यधिक लुभावना लगता है। ओके प्राताश्री, जैसा आप कहें। सो मित्र जनों, फ्लैग स्मैशर्स ने जीआरसी के सेंटर पे हमला किया जहाँ पे कई लोग मारे गए, जिसमें से एक के बारे में तो ये भी बताया गया कि उसने कुछ समय पहले ही जॉब ज्वाइन किया था और बीवी बच्चों वाला आदमी था। साथ ही साथ फ्लैग स्मैशर्स की हेड काली ने कैप्टन फालतू के पार्टनर बैटल स्टार को भी मारा था। तो क्या कैप्टन फालतू को इतना भी हक नहीं कि वो अपने पार्टनर का बदला ले सके, प्लस टेररिस्ट एक्ट करने वाले इस फ्लैग स्मैशर्स को सबक सिखाए? वैसे ज्यादातर लोगों के ओपिनियन बायस्ड ही होते हैं, एज इमोशंस में बहकर टोनी ने बकी को मारा था तो वो सही था, लेकिन स्टारलॉर्ड ने अपने लव ऑफ द लाइफ को खोने की खबर सुनकर थानोस को मारा तो इन्फिनिटी वॉर में हार का बिल उसी पर फट गया, प्लस मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऑफ एमसीयू भी बन गया था। बहुत लोगों ने ये तक कहा था कि कैप्टन अमेरिका वाज अ गुड मैन, बट टेल मी गाइस, क्या वो हाइड्रा के बेस में गन लेकर डराने के लिए जाते थे या पार्टी करने के लिए? जिस तरह जॉन वॉकर के हाथ खून से सने हुए हैं, उसी तरह स्टीव के भी हाथ खून से सने हुए हैं। शील्ड में खून के छींटे नहीं पड़े, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। किसी को ग्रेनेड से उड़ाया है तो उन्होंने किसी को जिंदा जलाया है। बट हम स्टीव को प्यार करते हैं और कैप्टन फालतू को हेट, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। हाइड्रा बुरे लोग थे तो फ्लैग स्मैशर्स भी कौन से दूध से धुले हुए थे? जीआरसी के ऑफिस में लोग मरना डिजर्व नहीं करते थे बट फिर भी मरे, क्या उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? और एक प्यारा सा रिमाइंडर, फ्लैग स्मैशर्स कैप्टन फालतू के साथ डांडिया खेलने के लिए उसको वहाँ पे नहीं फंसाते हैं, बल्कि उनका प्लान था उसको मार कर दुनिया भर में एक संदेश देना, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते हैं, उल्टा कैप्टन फालतू के टीममेट को मार कर उसे ट्रिगर कर देते हैं, जिसके बाद से कैप्टन फालतू पब्लिकली के ही बंदे को मार देता है। सो हाउ डू यू डिसाइड कि कौन गुड मैन है और कौन गुड सोल्जर, कौन सही है कौन गलत? क्योंकि फ्लैग स्मैशर्स के नजरिए से देखे तो उनका मोटिव भी सही है लेकिन तरीका गलत हो जाता है। लेकिन यही चीज तो कैप्टन फालतू ने भी किया, उसके नजरिए से फ्लैग स्मैशर्स टेररिस्ट है और उनको पकड़ना जरूरी है, बट इस प्रोसीड्योर में उसने उनको मार दिया तो यहाँ पर उसका तरीका गलत हो गया, लेकिन इरादे तो नेक थे। उसने किसी ऐसे वैसे को नहीं मारा बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक टेररिस्ट को मारा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जंग कभी भी ये नहीं बताती कि कौन सही है कौन गलत है, वो सिर्फ यही बताती है कि आखिरी में कौन बचा है और कौन विनर है, जो कि ऑब्वियसली पावरफुल लोग ही जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीव ने किसी को नहीं मारा, बट उसके मारने और कैप्टन फालतू के मारने में अंतर यही है कि स्टीव जंग के बीच में लोगों को मार रहा था, वहीं कैप्टन फालतू उस पॉइंट में था जो कि ये डिसाइड करता कि आगे जाकर जंग होगा या नहीं। कैप्टन फालतू अगर उसको वहां पे नहीं मारता तो ये कार्ली के लिए एक एग्जांपल बनता कि उसके इतने बड़े कांड करने के बाद भी कैप्टन फालतू होल्ड बैक किया। बट कार्ली की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कैप्टन फालतू के मॉरल कंपास को ही मार दिया था। आपने देखा होगा कि कैप्टन फालतू हमेशा तट पर रहता है किसी भी चीज को पाने के लिए, उसको तरीकों से नहीं बल्कि रिजल्ट से मतलब है, बट बैटल स्टार उसके तरीकों को कंट्रोल करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब सैम यहाँ पर कहता है कि कार्ली को वो बात करके समझा देगा तो वो पहले रेडी नहीं था, लेकिन बैटल स्टार के कहने पर वो मौका दे देता है। कई लोग कैप्टन फालतू को परफेक्ट सोल्जर भी कह रहे थे, बट क्या वो ये कहलाने के लायक भी है? 10 मिनट का समय उसको सैम को देना था, लेकिन 5 मिनट के बाद से ही उसको खुजली होने लगती है, जो कि ये दर्शाता है कि कैप्टन फालतू के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं।
सीआईए के कैद से भागा हुआ कैदी यानी कि जेमो को वो यहाँ पे हथकड़ी में बांधकर चला जाता है बिना किसी को वहाँ पर अपॉइंट किए कि वो उसके ऊपर नजर रख सके। अब यहाँ पर कोई नजर रखने के लिए मौजूद नहीं था, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ क्योंकि अगर वो किसी को पकड़ने के लिए जा रहा है तो वो बैकअप लेकर वहाँ पे जाएगा, लेकिन वो तक लेकर नहीं गया था। माना कि फ्लैग स्मैशर्स प्रायोरिटी थे बट जेमो ने यूएन में हमला किया था और ये कोई हल्का सा क्राइम नहीं था। वो फ्लैग स्मैशर्स के बारे में जब पूछताछ करने के लिए जाता है तो एक टीम लेकर जाता है, लेकिन जब फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ने के लिए जाता है ना किसी बैकअप के साथ और जब वहाँ पे बैटल स्टार मर जाता है तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से फ्लैग स्मैशर्स पर थोप देता है एज फाइनल ब्लो उन्होंने दिया था, जबकि भिड़ने का प्लान इसी का था। मुझे कहीं से भी परफेक्ट सोल्जर की परफेक्ट प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, वो भला हो सैम एंड बकी का कि वो वहाँ पे आ गए थे, वरना ये भी बचता या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। एक परफेक्ट सोल्जर के डिसीजन कभी भी इमोशन से क्लाउडेड नहीं होने चाहिए। क्या लगता है सिविल वॉर के एंड में स्टीव ने शील्ड यहाँ पर क्यों त्याग दिया था? इसलिए क्योंकि टोनी ने उसको ताना मारा था? नहीं, उसने शील्ड यहाँ पर इसलिए त्यागा था क्योंकि बकी को बचाने के लिए स्टीव ने जो सच टोनी से छुपाए रखा था उसके वजह से इतना रायता फैला। अगर उसके डिसीजन बकी के प्रति इमोशंस के वजह से क्लाउडेड नहीं होते तो स्टीव बकी के कंडीशन के बारे में और उसके कांड के बारे में टोनी को आराम से बताता एंड शायद उस वक्त ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होता। इसलिए एंड में वो टोनी से माफी मांगते हुए भी नजर आता है, इसलिए टोनी का कैप्टन को शील्ड वापस करना इतना मैटर करता था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, एज ये चीज ये दर्शाता था कि टोनी ने कैप्टन को माफ कर दिया है। अब इमोशन एक ऐसी चीज है जिस पर जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, एज हमें कोई अंदाजा नहीं होता है कि कोई कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर के साथ कितनी गहरी बॉन्डिंग है और वो किस तरह से गुजर रहा है उसके खोने के बाद से, लेकिन इमोशंस में बहकर लिए गए डिसीजंस आमतौर पर गलत ही साबित होते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है स्टार लॉर्ड जिसने यहाँ पर थानोस को मारा था। हमारे लिए ये कहना बहुत ही आसान होता है कि स्टार लॉर्ड को कंट्रोल करना चाहिए था, बट गाइस सोच कर देखिए, जिसने अपनी मॉम को बचपन में ही खोया और हाल फिलहाल में अपने फादर फिगर को खोया एंड उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसने लव ऑफ द लाइफ को यहाँ पर खो दिया है तो वो अंदर से कितना टूट चुका होगा। अगर हम यहाँ पे कैप्टन फालतू के कैरेक्टराइजेशन की ओर भी नजर डालें तो स्टीव ऑलमोस्ट हाइड्रा के हर एक बेस को उड़ाने के बाद भी कहता है कि आई एम अ किड फ्रॉम ब्रुकलिन, जबकि जॉन अपने आप को हर बार कैप्टन अमेरिका कहता है। स्टीव के हिसाब से वो एक सिंबल है जो कि पब्लिक को सर्व करने के लिए है, जबकि कैप्टन फालतू के लिए ये एक आर्मी रैंक है जो कि उसको बाकी सबसे ऊपर रखता है। सैम इस सिंबल वाली चीज को अच्छे से समझता था, इसीलिए उसने शील्ड को वहाँ पर त्याग दिया था। सो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि कैप्टन फालतू एक परफेक्ट सोल्जर तक नहीं है, वो बस एक इगोइस्टिक कैरेक्टर है जिसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, जहां मोरल कोड जाए भाड़ में। वो फॉर द पीपल नहीं बल्कि फॉर द गवर्नमेंट काम करता है, और गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो और किसी भी देश से हो, उनसे पब्लिक का अच्छा उम्मीद करना डेजर्ट में पानी खोजने जितना मुश्किल है। बट जब बात आती है कि क्या कैप्टन फालतू ने जो किया वो सही था या गलत, ये टोटली आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। परसेप्शन इन द सेंस कि अगर अंग्रेज की हिस्ट्री देखें तो वो अपने हिस्ट्री में बताते हैं कि उन्होंने अर्थ के मेजोरिटी कंट्रीज पे राज किया है, जहां उन्होंने जिस जिस कंट्री में राज किया है जैसे कि इंडिया, वहां की हिस्ट्री देखें तो वहां पे वो लोग उसको एज अ मॉन्स्टर्स के देखते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर जुल्म ढाया है। यही नहीं, चर्चिल ब्रिटेन में बहुत ही प्रतिष्ठित लोग में से गिने जाते हैं, बट उनके वजह से बंगाल में कितनी ज्यादा लोग मरे थे भूखमरी के वजह से, क्योंकि उन्होंने सारा खाना यहां से बाहर भिजवा दिया था। सारा खेल परसेप्शन का है। यहां पे आप अगर कैप्टन फालतू को एज अ विक्टिम देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसने जो किया वो सही किया, लेकिन अगर आप शांत मन से सोचेंगे तो उसको मारने का हक वहां पर नहीं था, ये हक जज के पास होता है और वो इसको पास भी करता। यहां कैप्टन फालतू ने जो किया उसने अपने पावर का मिसयूज किया। अब ऐसा तो नहीं है कि जजेस के पास उसको लेकर जाते तो वो लोग उसको छोड़ देते, वो भी उसे सजा देते और वो भी कानूनी तौर पे, लेकिन यहाँ पे कैप्टन फालतू ने कानून को अपने हाथ में लिया जो कि सही नहीं था। बैटल स्टार का यहाँ पे मरना बस एक एक्सक्यूज था कैप्टन फालतू के लिए अपना असली रंग दिखाने के लिए। हो सकता था अगर वो यहाँ पे इसे पकड़ता तो इससे कुछ और भी ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन निकलती जिसे वो लोग बाद में यूज करते और फ्लैग स्मैशर्स के अगेंस्ट यूज कर सकते थे और उनको कोई बड़ा कांड करने से रोक सकते थे, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज उसने वहाँ पे खारिज कर दी डायरेक्ट वहाँ पे उसे मारकर। देखा जाए तो बैटल स्टार के मरने का ब्लेम जितना हम लोग वहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स को दे सकते हैं उतना ही ब्लेम यहाँ पे कैप्टन फालतू के ऊपर भी आता है, क्योंकि वो सुपर सोल्जर से लड़ने गया वो भी बिना बैकअप के। खुद तो सुपर सोल्जर सीरम ले लिया था बट उसने बैटल स्टार के बारे में कुछ सोचा भी नहीं, प्लस जब वो लोग यहाँ पे अप्रोच भी करते हैं यहाँ पे बैटल स्टार को वो फ्रंट में रखता है, जो कि समझ में नहीं आता है कि क्यों।
कौन सी स्ट्रेटेजी वो वहाँ पे फॉलो कर रहा था। कई लोगों को इस बात का बुरा लगता है या फिर कई लोग इसको एज अ आयरनी पेश कर रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका का फैन को कैप्टन अमेरिका ही मारता है, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने जो रास्ता चुना था वो इसको एक ना एक दिन कैप्टन पालतू के जैसा ही बना देती। तो जो उसने अपने आखिरी लम्हों में देखा वो असल में कैप्टन अमेरिका का वर्जन नहीं बल्कि इसका ही एक वर्जन था। कैप्टन ने भी अपने फ्रेंड बकी को खोया था, बट क्या उसने रेज में जाकर जोला को मार दिया क्योंकि उसे पकड़ने के चक्कर में ही ये सब हुआ? नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जोला बस एक मोहरा है जिसके मदद से वो रेड स्कल को मार देगा, जिसके बाद से आगे आने वाले थ्रेट को वो खत्म कर देगा। प्लस वो जानता था कि बकी के डेथ के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार है, बट इसके वजह से ना ही उसने अपनी ड्यूटी छोड़ी और ना ही वो आउट ऑफ कंट्रोल गया, क्योंकि ये एक जंग का पार्ट है, यहाँ पर कैजुअलिटीज होते रहते हैं। अपने कॉमरेड को खोने का दर्द वो समझता है, इसीलिए टोनी को एवेंजर्स मूवी के अंदर यहाँ पे वो सद्भावना दे रहा होता है ये कहते हुए कि क्या तुमने पहली बार किसी सिपाही को खोया है, जहाँ पर वो उस कुलसन की डेथ को लेकर कह रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि जंग में कैजुअलिटीज होती है, बट इसके वजह से इमोशंस में बहकर मारना गलत है। टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर भी सिविल वॉर मूवी के अंदर अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए बकी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, बट जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने सिर्फ इतना कहा कि बदले की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया था और उन्हें भी कर रहा है, बट मेरी आंखें खुल चुकी है। ये वही बंदा था जो कि कुछ समय पहले बकी को जान से मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके पिता को मारा था, लेकिन जब उसे पता चला कि असली कातिल कौन है तो उसके अंदर अचानक से इंसानियत और मोरल कोड्स आ गए। आई गेस इतने एग्जांपल्स काफी होंगे ये समझाने के लिए कि क्या चीज किसी को हीरो बनाता है और क्या चीज किसी को विलन। खून तो स्टीव ने भी किया था, बट उसके खून करने का मोटिव पर्सनल नहीं था बल्कि एक सोल्जर की तरह देश के प्रति ड्यूटी थी, ना कि अपने टीममेट के मौत का बदले के नाम पे अपना असली रूप दिखाना। जंग में दोनों तरफ से खून बहता है और अगर किसी दिन शांति स्थापित हो गया, ऐसे में दोनों पक्षों की आर्मी को उस शांति को मानना पड़ता है। ऐसे में अगर आर्मी से कोई बंदा उठकर ये बोले कि सामने वाले ने मेरे भाई को मारा था तो मैं इस शांति को नहीं मारूंगा और जंग को कंटिन्यू करूंगा, तो इस तरह शांति कभी भी स्थापित नहीं होगी बल्कि आगे कितने और भाइयों के मरने का कारण बनेगी। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। देखा जाए तो यहाँ पर कैप्टन पालतू जंग में नहीं था और उसके पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कैप्टन फालतू ने वही किया जो उसके मन में आया। मैंने इसको कैप्टन फालतू जो नाम दिया है वो मैंने इसके पहले एपिसोड से जो मुझे वाइब मिला था उस बेसिस पे दिया है, और ना जाने कितने लोगों ने कितने सारे नाम दिए हैं, लेकिन ये जो उसको नाम पड़ा था ये सब खत्म हो जाता अगर यहाँ पर वो फ्लैग स्मैशर को नहीं मारता, लेकिन यहाँ पे फ्लैग स्मैशर को मार के उसने वो मौका गवा दिया। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री करते हो या फिर हो सकता है आप मुझसे एग्री नहीं करते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, बट आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेशन के जरिए बता सकते हैं। क्या वो एक परफेक्ट सोल्जर था या एक सनकी आदमी जिसने पावर का गलत फायदा उठाया प्लस जिसकी लापरवाही के वजह से उसका टीममेट मरा? आप किसके साथ हैं हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो साइंस के तरफ से हूं और मैं खाना खाने जा रहा हूं। एंड हां, पानी पीते रहिएगा ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल की ये कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।